गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स. द टॉपिक ऑफ टुडेज डिस्कशन इज वोलेटाइल ऑयल्स. नाउ स्टार्टिंग विद द टॉपिक, फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू नो व्हाट वोलेटाइल ऑयल्स आर. वोलेटाइल ऑयल्स आर डिफाइंड एज द ओडोरस वोलेटाइल प्रिंसिपल्स ऑफ प्लांट एंड एनिमल सोर्सेस विच आर नोन एज वोलेटाइल ऑयल्स. मीन्स ओडोरस और वोलेटाइल प्रिंसिपल्स का मतलब है कि जिनमें से ओडर आती है, और वोलेटाइल प्रिंसिपल्स मीन्स ईजिली इवेपोरेट हो जाते हैं और किसी भी प्लांट और एनिमल सोर्सेज से मिलते हैं, उन्हें वोलेटाइल ऑयल्स बोलते हैं. दे आर लिक्विड वोलेटाइल ऑयल्स विच विल इवेपोरेट और वोलेटिलाइज वेन एक्सपोजर एट एन ऑर्डिनरी टेम्परेचर, एंड सो दे आर कॉल्ड एज इथेरियल ऑयल्स. वो क्यों इवेपोरेट हो जाते हैं नॉर्मल टेम्परेचर पे? बिकॉज ऑफ द टेम्परेचर वेरिएशंस. उनको इथेरियल ऑयल क्यों बोलते हैं? क्योंकि उनकी जो प्रॉपर्टी है वो ईथर्स की तरह है. ईथर क्या है? पेट्रोलियम ईथर, डाइथाइल ईथर. अगर आप उसकी बॉटल को ओपन रखेंगे तो वो इवेपोरेट हो जाता है. दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज एसेंशियल ऑयल्स बिकॉज दे प्रोड्यूसेस एसेंसेस और कंसनट्रेटेड कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द प्लांट्स. ये क्या प्रोड्यूस करते हैं? एसेंस प्रोवाइड करते हैं, ओडोरस एसेंस प्रोवाइड करते हैं, जिसकी वजह से इसे एसेंशियल ऑयल भी कहा जाता है. तो वोलेटाइल ऑयल्स के दो नाम और हैं, दैट इज एसेंशियल ऑयल एंड इथेरियल ऑयल्स. नाउ द प्रॉपर्टीज ऑफ वोलेटाइल ऑयल्स, दे आर सॉल्युबल इन अल्कोहल, ईथर एंड अदर लिपिड सॉल्वेंट्स, एंड प्रैक्टिकली इनसॉल्युबल इन वाटर. ठीक है. नेक्स्ट, दे आर यूजुअली लाइटर देन वाटर, दे पोजेस कैरेक्टरिस्टिक ओडर, एंड दे ऑल्सो हैव हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. मोस्ट ऑफ देम आर ऑप्टिकली एक्टिव इन नेचर. ठीक है, ऑप्टिकली लाइट को रोटेट करता है. दे आर सिक्रीटेड इन स्पेशल स्ट्रक्चर्स सच एज डक्ट्स, सेल, शाइजोजेनस एंड लाइजीजेनस ग्लैंड्स एंड ट्राइकोम्स. मतलब ये सिक्रीट होते हैं, जो वोलेटाइल ऑयल्स हैं आपके, वो सिक्रीट होते हैं कौन से स्ट्रक्चर्स में? स्पेशल स्ट्रक्चर्स होते हैं, जैसे कि डक्ट्स हो गए, सेल्स हो गए. शाइजोजेनस एंड लाइसीजेनस क्या होते हैं? जहाँ पे वोलेटाइल ऑयल्स स्टोर होते हैं. ठीक है, कोई भी वोलेटाइल गैसेस स्टोर होती हैं. ये लाइसीजेनस और शाइजोजेनस है क्या? दीज आर द ग्लैंड्स जो कि एंटायर पार्ट ऑफ प्लांट होता है ना, उसको डिसॉल्व करके जो ग्लैंड्स बनते हैं, जिसमें वोलेटाइल ऑयल और वोलेटाइल गैसेस स्टोर करते हैं, उसको हम लाइसीजनस एंड शाइजोजेनस ग्लैंड्स बोलते हैं. ट्राइकोम्स आर प्लांट हेयर विच यू ऑलरेडी नो अबाउट दैट. नाउ दे आर कॉमनली फाउंड इन द स्पीशीज. मीन्स जो वोलेटाइल ऑयल कंटेनिंग ड्रग्स हैं वो कौन सी स्पीशीज़ में मिलती हैं? दैट इज लेबिएटी, ड्यूटेसी, पाइपरेसी, जिंजिवरेसी, अम्बेलीफेरी, मिर्टेसी एंड लॉरेसी. ठीक है. Now you can see lysogenous cavities, like lysogenous glands जो हैं, एक entire part of plant को dissolution करने के बाद बनता है. मतलब एक entire plant जब एक cavity produce करता है, मतलब एक entire plant dissolute हो जाता है और वो एक gland produce करता है, cavity produce करता है, जिसके अंदर हमारे gases और volatile oil store होते हैं. ठीक है, you can see the cavities, इसमें हमारे volatile oils present होते हैं. Now next, they are present in entire plant or in any part of the plant. ये पूरे plant में भी present हो सकते हैं, characterize हो सकते हैं, variably distributed हो सकते हैं, और किसी एक particular part of plant में भी present हो सकते हैं, like schizogenous and lysigenous glands. Now the chemical nature of volatile oils are, they are chemically derived from terpenes and their oxygenated compounds. They are made up of isoprene units, that is C5H8, and are usually mono, sesqui and diterpenes with the empirical formula C10H16, C15H24 and C20H32 respectively. Now the classification of volatile oils are, फर्स्ट इज़ अल्कोहल वोलेटाइल ऑयल्स. अल्कोहल वोलेटाइल ऑयल्स में कौन कौन सी ड्रग्स आती हैं, उसके बेसिक एग्जाम्पल्स हैं कार्डमम एंड कोरिएंडर. नेक्स्ट, एल्डिहाइड वोलेटाइल ऑयल्स, सिनेमन, लेमन पील. दीज आर द ड्रग्स. ठीक है, दीज आर द क्रूड ड्रग्स विच कंटेन वोलेटाइल ऑयल्स.
नेक्स्ट इज ईस्टर वोलेटाइल ऑयल्स, मीन्स इसमें ईस्टर ग्रुप प्रेजेंट होता है, एल्डिहाइड वोलेटाइल ऑयल्स में एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट होता है, अल्कोहल वोलेटाइल ऑयल्स में अल्कोहल ग्रुप प्रेजेंट होता है. एस्टर वोलेटाइल ऑयल्स का एग्जाम्पल है लेवेंडर एंड मस्टर्ड. हाइड्रोकार्बन वोलेटाइल ऑयल्स टर्पेंटाइन एंड ब्लैक पेपर. कीटोन वोलेटाइल ऑयल्स दैट इज कैरावे एंड कैम्फर. नेक्स्ट इज ऑक्साइड वोलेटाइल ऑयल्स दैट इज यूकेलिप्टस एंड चिनोपोडियम. नेक्स्ट फिनोलिक ईथर वोलेटाइल ऑयल्स दैट इज फेनल एंड नटमेग. दीज आर द ड्रग्स, आप एक एक एग्जाम्पल भी लिख सकते हैं. फिनॉल वोलेटाइल ऑयल्स दैट इज क्लोव, क्लोव इज लॉन्ग. अभी ये सब आप धीरे धीरे पढ़ेंगे. नेक्स्ट हम वोलेटाइल ऑयल्स को प्रिपेयर कैसे करते हैं. द प्रिंसिपल मेथड्स यूज इन द प्रपरेशन ऑफ वोलेटाइल ऑयल्स फ्रॉम प्लांट्स डिपेंड्स अपॉन, मीन्स जो प्रिंसिपल मेथड्स हैं जो प्रिपरेशन ऑफ वोलेटाइल ऑयल में इन्वॉल्व हैं किसी भी प्लांट से, उसमें पहला है डिस्टिलेशन इन वाटर और स्टीम. नेक्स्ट मैकेनिकल मेथड्स, मैकेनिकल मेथड्स में जो इंडस्ट्रियली यूज होते हैं मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ वोलेटाइल ऑयल्स दैट इज इन्फ्लोरेज एंड इक्यूएल. ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जीपैट के लिए और किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए. ये पूछा जाता है कि कौन से मैकेनिकल मेथड्स हैं फॉर द प्रिपरेशन ऑफ वोलेटाइल ऑयल ऑन इंडस्ट्रियल स्केल दैट इज इन्फ्लोरेज एंड इक्यूएल. अब इनमें आपको याद रखना है इन्फ्लोरेज परफ्यूमरी में यूज़ होता है और इक्यूएल सिट्रस फ्रूट्स में से जूस निकालने के लिए यूज़ होता है. नेक्स्ट एक्सट्रैक्शन विद सॉल्वेंट्स. नेक्स्ट एंजाइमेटिक हाइड्रोलिसिस, मतलब हाइड्रोलिसिस करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम्स. नेक्स्ट सुपर क्रिटिकल फ्लूड एक्सट्रैक्शन विच इज़ अ टाइप ऑफ एक्सट्रैक्शन, एक्सट्रैक्शन टेक्निक. जैसे एक्सट्रैक्शन विद सॉल्वेंट्स है, नेक्स्ट इज सुपर क्रिटिकल फ्लूड एक्सट्रैक्शन. नेक्स्ट नाउ एक्सप्लेनेशन ऑफ द ऑल द टॉपिक फॉर द प्रिपरेशन ऑफ वोलेटाइल ऑयल्स आर. फर्स्ट इज वाटर डिस्टिलेशन. वाटर डिस्टिलेशन क्या है? दिस इज बेसिकली अप्लाइड टू प्लांट मटीरियल दैट इज ड्राइड एंड इज नॉट डिस्ट्रॉयड बाय बॉयलिंग. ठीक है, ये अप्लाई होता है प्लांट मटेरियल में जो कि ड्राई फॉर्म में होगा एंड डिस्ट्रॉय नहीं होगा, उसके अंदर कोई भी केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट डिस्ट्रॉय नहीं होंगे बाय द प्रोसेस ऑफ बॉइलिंग. ठीक है, टर्पेंटाइन ऑयल इज ऑब्टेन बाय दिस मेथड. मींस टर्पेंटाइन ऑयल इज द एग्जांपल ऑफ दिस पर्टिकुलर मेथड. द क्रूड टर्पेंटाइन ऑलियो रेजिन इज इंट्रोड्यूस्ड इन टू द डिस्टिलिंग चैम्बर. ठीक है, जो क्रूड टर्पेंटाइन ऑलियो रेजिन है आपका, मतलब टर्पेंटाइन ऑलियो रेजिन इज़ अ क्रूड प्लांट मटेरियल जिसको हम इंट्रोड्यूस करेंगे अपने डिस्टिलेटिंग चैम्बर में. इट इज़ देन सब्जेक्टेड टू हीट अंटिल ऑल वोलेटाइल मैटर बोथ ऑयल एंड वाटर इज कंडेंस्ड इन द कंडेंसिंग चैम्बर. मतलब जितना भी आपका टर्पेंटाइन ऑलियो रेजिन में वोलेटाइल मैटर प्रेजेंट होगा जैसे कि ऑयल और वाटर, तब तक हमें उसे हीट करना है जब तक कि वो कंडेंसेशन प्रोसेस ना हो जाए और वो कंडेंसिंग चैम्बर में होगा. नेक्स्ट टर्पेंटाइन ऑयल इज़ नॉट अफेक्टेड बाय दिस अमाउंट ऑफ हीट. मतलब जो टर्पेंटाइन ऑयल है उसकी टेंडेंसी है कि वो इफेक्ट नहीं होता है किसी भी हीट से. ठीक है, कितनी भी हीट से. नाउ यू कैन सी द बेसिक प्रोसेस ऑफ वाटर डिस्टिलेशन दैट इज़ वाटर. वाटर से हमारी स्टीम प्रोड्यूस होगी जब हम हीट प्रोवाइड करेंगे. स्टीम प्रोड्यूस होगी तो वेपोराइज वाटर एंड एसेंशियल ऑयल जो कि कंडेंस होंगे, फिर वो विद द हेल्प ऑफ कोल्ड वाटर, हॉट वाटर बाहर चला जाएगा, वाटर एंड एसेंशियल ऑयल हमारे कलेक्ट हो जाएंगे. ठीक है, फ्लोरल वाटर्स यहाँ से और यहाँ से वेस्ट वाटर. ठीक है, नेक्स्ट इज वाटर एंड स्टीम डिस्टिलेशन प्रोसेस. इन दिस इट इज़ बेसिकली अप्लाइड टू द प्लांट मटीरियल दैट मे बी ड्राइड और फ्रेश. मतलब हमारा वाटर डिस्टिलेशन प्रोसेस में सिर्फ ड्राइड हमारा मटेरियल यूज़ हुआ था क्रूड ड्रग, इसमें हम ड्राइड भी और फ्रेश दोनों यूज़ कर सकते हैं. एंड कैन ऑल्सो बी डिस्ट्रॉयड बाय बॉयलिंग. मतलब कि ये डिस्ट्रॉय भी किया जा सकता है बॉयलिंग से और इसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट है कई बार वो बॉयलिंग से डिस्ट्रॉय भी हो जाते हैं. ठीक है, तो ज़्यादातर हम वाटर डिस्टिलेशन प्रोसेस ही यूज़ करते हैं. इन केस ऑफ ड्राइड मटेरियल एग्जाम्पल सिनेमन और क्लोव द ड्रग इज़ ग्राउंडेड. मतलब सिनेमन और क्लोव अगर हमने लिया है और इससे हमारे को वोलेटाइल ऑयल निकालना है तो उसको हम ग्राउंड फॉर्म में लेंगे. इट इज़ देन कवर्ड विद अ लेयर ऑफ वाटर. ठीक है, इसको फिर हम कवर करेंगे वाटर की लेयर से. नाउ स्टीम इज़ पास्ड थ्रू द मैसरेटेड मिक्सचर. स्टीम पास करेंगे मैसरेटेड मिक्सचर के थ्रू.
एज द ऑयल कैन बी डैमेज बाय डायरेक्ट बॉयलिंग, मतलब जो ऑयल है हमारा सिनेमन और क्लोव का वो डायरेक्ट बॉयलिंग से डिस्ट्रॉय हो सकता है, देयरफॉर स्टीम इज जनरेटेड एल्सवेयर एंड इज कन्वेड इन टू द कंटेनर दैट कीप्स द ड्रग. ठीक है, स्टीम को जनरेट करेंगे और हम कहीं और उसको इकट्ठा करेंगे और कुछ कुछ अमाउंट में वो आएगी जो कि हमारे ड्रग को ड्रग के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है वोलेटाइल कॉन्स्टिट्यूएंट उसे डिस्ट्रॉय भी ना करें. ऑयली लेयर ऑफ कंडेंस्ड डिस्टिलेट इज सेपरेटेड फ्रॉम द एक्वस लेयर. जो ऑयली लेयर होगी आपकी कंडेंसेशन के बाद, कंडेंसेशन प्रोसेस होगा, कंडेंसेशन प्रोसेस के बाद जो ऑयली लेयर होगी वो सेपरेट हो जाएगी एक्वस लेयर से. देन द ऑयल इज देन मार्केटेड विद और विदाउट फर्दर प्रोसेसिंग. जो ऑयल हमारा निकलेगा उसको हम मार्केट कर सकते हैं विद और विदाउट फर्दर प्रोसेसिंग. नाउ यू कैन सी द इमेज वाटर एंड स्टीम डिस्टिलेशन की. ये है स्टीम, ये वाटर, मतलब वाटर को हीट प्रोवाइड करी, स्टीम बनी, स्टीम गया, फिर वेपराइजेशन और कंडेंसेशन प्रोसेस सेम था उसमें भी जैसे था. उसके बाद यहाँ पे कूलिंग टैंक है, कूलिंग टैंक में जैसे ही कूल होगा तभी आपका एसेंशियल ऑयल एक्सट्रैक्ट हो जाएगा. ठीक है, ऑयल और वाटर लेयर अलग हो जाएगी. नेक्स्ट द टेक्निक इन्फ्लोरेज, मैकेनिकल मेथड, इंडस्ट्रियल प्रोसेस. इन्फ्लोरेज में आपको याद रखना है ये हमारा फ्लावर पेटल्स के लिए यूज़ होता है, और जो इक्यूएल है वो सिट्रस फ्रूट्स में से हमारा वोलेटाइल ऑयल निकालने के लिए यूज़ होता है. नाउ इन्फ्लोरेज, इन दिस मेथड एन ओडरलेस फिक्स्ड ऑयल और फैट इज स्प्रेड इन अ थिन लेयर. ओडरलेस फिक्स्ड ऑयल और फैट, किसी भी ओडरलेस मतलब उसमें कोई ओडर नहीं होगी, फिक्स्ड ऑयल होगा या फिर फैट होगा, उसको स्प्रेड करेंगे हम थिन लेयर में ऑन ग्लास प्लेट्स. ठीक है, ग्लास प्लेट्स के ऊपर लाइक टीएलसी प्लेट्स होते हैं उसी की फॉर्म में थिन लेयर में हम उस फिक्स्ड ऑयल को क्या करेंगे, स्प्रेड कर देंगे. नेक्स्ट, द फ्लावर पेटल्स आर प्लेस्ड ऑन द फैट फॉर फ्यू आवर्स. उस फैट के ऊपर आपके जो फ्लावर पेटल्स हैं उसको रख देंगे जिसमें से आपको एसेंशियल ऑयल एक्सट्रैक्ट आउट करना है. नेक्स्ट, रिपीटेडली द ओल्ड पेटल्स आर रिमूव्ड. मीन्स जैसे जैसे प्रोसेस आगे बढ़ेगा ओल्ड पेटल्स जो होंगी उनको रिमूव करते रहेंगे एंड अ न्यू लेयर ऑफ पेटल्स इज इंट्रोड्यूस्ड. ठीक है, देन व्हेन द फैट एब्जॉर्ब्स मैक्सिमम फ्रेग्रेंस, जो वो फैट की लेयर है, फैटी लेयर है जो कि ओडरलेस लेयर थी, जब वो मैक्सिमम फ्रेग्रेंस आपकी एब्जॉर्ब कर लेगा देन द ऑयल मे बी रिमूव्ड बाय एक्सट्रैक्शन विद अल्कोहल. जो वो ऑयल होगा उसको हम रिमूव कर देंगे बाय द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन विद द हेल्प ऑफ अल्कोहल एज सॉल्वेंट. ठीक है, इट वॉज फॉर्मली वाइडली यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ परफ्यूम्स एंड पोमेड्स. ठीक है, मतलब ये जो प्रोसेस है हमारा बेसिकली परफ्यूमरी इंडस्ट्री में यूज़ होता है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ परफ्यूम्स. नेक्स्ट, इन्फ्लोरेज, इन्फ्लोरेज यू कैन सी ये है आपका इंडस्ट्रियल पर्पस, इंडस्ट्रियल स्केल पे लेयर ऑफ इन्फ्लोरेज फैट. ठीक है, ये फैटी लेयर है, ये ग्लास प्लेट है जिसके ऊपर ये फैट लेयर आपकी दिखाई दे रही है, ग्लास प्लेट, फैटी लेयर, उसके ऊपर पेटल्स आपकी, ये वुडन फ्रेम्स हैं जिसमें इसको सेटल आउट करते हैं, फिर फ्लावर्स को मूव करते हैं, एक मूविंग बेल्ट होती है. ठीक है, जैसे जैसे वो मूव करते जाएगी एक ही बार आपको वो फ्लावर पेटल यूज़ करनी है, उसके बाद उसको हटा देना है ओल्ड पेटल्स को और न्यू पेटल्स को इंट्रोड्यूस कर देना है जिससे कि हमारी परफ्यूम बनती है. यू कैन सी द फैटी लेयर, फैटी लेयर के ऊपर हमारा फ्लावर पेटल्स. ठीक है, ये इसका प्रोसेस है. नेक्स्ट इज इक्यूएल मेथड. नाउ इन इक्यूएल मेथड इट इज़ बेसिकली यूज टू ऑब्टेन सिट्रस ऑयल्स. वो हमारा एसेंशियल ऑयल प्रोड्यूस करता है परफ्यूमरी इंडस्ट्री में और इसमें हम सिट्रस ऑयल्स यूज़ करते हैं. इन दिस मेथड द फ्रूट इज़ रोल्ड ओवर द ट्रफ लाइंड विद शार्प प्रोजेक्शंस. इसमें क्या होता है, हमारा जो फ्रूट है, सिट्रस फ्रूट्स हैं, उसको हम एक रबर बेल्ट के ऊपर हमारे यू कैन सी, फर्स्ट यू शुड सी द स्ट्रक्चर लाइक दिस इज़ द रबर बेल्ट. ये इन्फ्लोरेज टेक्निक का ये स्ट्रक्चर है, इसी में ऐसा ही स्ट्रक्चर उसका होता है क्यूएल के लिए भी. इसमें भी वुडन फ्रेम्स होते हैं, ऐसी रबर बेल्ट लगती है, लेकिन उसमें एक निबी प्रोजेक्शंस होते हैं, मींस उसमें पॉइंटेड प्रोजेक्शंस होते हैं जिसके ऊपर हमारे जो फ्रूट्स में वो पॉइंट्स करते जाते हैं, प्रोजेक्शंस करते जाते हैं, जिससे कि उसके अंदर जितना भी सिट्रस ऑयल प्रेजेंट होता है वो हमारा कलेक्ट होता जाता है एक साइड में. ठीक है, दीज प्रोजेक्शंस पेनिट्रेट द एपिडर्मिस, जो एपिडर्मिस मतलब बाहर की लेयर, एंड पंक्चर द ऑयल ग्लैंड्स. उस एपिडर्मिस लेयर पे जो भी ऑयल ग्लैंड्स प्रेजेंट होंगे
लोकेटेड इन द आउटर पोर्शन ऑफ द पील, ठीक है, उसको पंक्चर करता रहेगा, ऑयल ग्लैंड्स में से सिट्रस ऑयल कलेक्ट होता जाएगा. द फ्रूट इज देन प्रेस्ड टू रिमूव ऑयल फॉर फ्रॉम ग्लैंड्स. जो फ्रूट होगा उसको बार बार प्रेस करेंगे टू रिमूव ऑयल फ्रॉम द ग्लैंड्स. इट इज़ देन स्प्रेड विद वाटर दैट वॉशिज द ऑयल फ्रॉम द मैश्ड पील, ठीक है. उसको फिर हम वाटर से स्प्रे करेंगे जिससे कि उसमें जितना भी ऑयल प्रेजेंट होगा वो सब एक्सट्रैक्ट आउट हो जाएगा और वाटर से अलग हो जाएगा. द रिजल्टिंग ऑयल वाटर इमल्शन इज सेपरेटेड बाय द प्रोसेस ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन. जो ऑयल और वाटर का जो मिक्सचर होगा हमारा वो इमल्शन के फॉर्म में होगा, उसको हम सेपरेट करेंगे बाय द प्रोसेस ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन, ठीक है. ऐसे ही हमारे को हमारे सिट्रस ऑयल्स मिल जाएंगे. नेक्स्ट सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन. सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन इज ईदर कैरीड आउट बाय वेरियस सॉल्वेंट्स और फैट्स. इट कैन ऑल्सो बी क्लासिफाइड इन टू थ्री टाइप्स, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड ओनली टू प्रोसेस ओवर हेयर, दैट इज एब्सोल्यूट सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन एंड सुपर क्रिटिकल फ्लूड एक्सट्रैक्शन, जो कि हमने अभी पहले बताया था. उसमें पहला है एब्सोल्यूट सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन. उसमें आप देखेंगे दिस प्रोसेस यूजुअली कैरीड आउट फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ वोलेटाइल ऑयल फ्रॉम रोज फ्लावर्स एटसेट्रा. द फ्लावर्स आर एगिटेटेड इन अ टब, ठीक है. फ्लावर्स को हम एगिटेट करेंगे टब में विद द सॉल्वेंट लाइक हेक्सेन. दिस सॉल्वेंट टेक्स आउट द एरोमेटिक कंपाउंड्स एज वेल एज अदर सॉल्यूबल सब्सटेंसेज. ये जो सॉल्वेंट है और जो आपका फ्लावर्स हैं, फ्लावर्स में जितना भी आपके एरोमेटिक कंपाउंड्स प्रेजेंट होंगे उसको सॉल्यूबलाइज कर लेगा हेक्सेन. नेक्स्ट द एक्सट्रैक्ट इज देन एक्सपोज टू वैक्यूम प्रोसेसिंग विच रिमूव्स द सॉल्वेंट फॉर रीयूज. जो एक्सट्रैक्ट बनेगा आपका, ठीक है, हेक्सेन एक्सट्रैक्ट होगा, उसको हम एक्सपोज करेंगे वैक्यूम के थ्रू, वैक्यूम प्रेशर के थ्रू, जो कि क्या करेगा, सारा का सारा सॉल्वेंट रिमूव कर देगा और हमारा एरोमेटिक कंपाउंड्स हमारे को मिल जाएंगे. द रिमेनिंग वैक्सी मास इज नोन एज कॉन्क्रीट. जो वैक्सी मास उसमें प्रेजेंट होगा उसको हम कॉन्क्रीट बोलेंगे. द कॉन्क्रीट इज देन मिक्स विद अल्कोहल विच डिजॉल्व्स द एरोमेटिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स. ये नेक्स्ट स्टेप है. जो कॉन्क्रीट होगा, वैक्सी मास होगा आपका, उसको फिर दोबारा से अल्कोहल से हम एक्सट्रैक्ट आउट करेंगे जो कि डिजॉल्व कर लेगा रिमेनिंग एरोमेटिक कॉन्स्टिट्यूएंट इन द कॉन्क्रीट एंड लीव्स बिहाइंड द अदर सब्सटेंसेज. सिर्फ वो क्या करेगा, अल्कोहल आपका डिजॉल्व करेगा एरोमेटिक कॉन्स्टिट्यूएंट को और छोड़ देगा अदर वेस्ट सब्सटेंसेस को, ठीक है, वेस्ट कॉन्स्टिट्यूएंट को जो कि रिक्वायर्ड नहीं है. द अल्कोहल इज इवेपोरेटेड लीविंग बिहाइंड द एब्सोल्यूट. फिर अल्कोहल को हम इवेपोरेट कर देंगे और जो बाद में बचेगा वो हमारा क्या होगा, वोलेटाइल ऑयल, ठीक है. नेक्स्ट सुपर क्रिटिकल फ्लूड एक्सट्रैक्शन. इट इज़ द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग वन कंपाउंड फ्रॉम अनदर, ठीक है. एक कंपाउंड को दूसरे से अलग करना, उसको हम बोलते हैं सुपर क्रिटिकल फ्लूड एक्सट्रैक्शन. दिस सिस्टम मस्ट कंटेन अ पंप फॉर CO2, अ प्रेशर सेल दैट कंटेन्स द सैम्पल, अ मीन ऑफ मेंटेनिंग प्रेशर इन द सिस्टम एंड अ कलेक्टिंग वेसल. आपको इतना डिटेल में लिखना नहीं है, आपको सिर्फ ये समझने के लिए है, ठीक है. एग्जाम में आपको सिर्फ हेडिंग लिखनी है और दो दो लाइन आपको एक्सप्लेन करना है. द लिक्विड इज पंप टू हीटेड जोन where it is heated to supercritical conditions. Then it is passed into the extraction vessel where it diffuses into the solid matrix and dissolves the material to be extracted. The dissolved material is taken out from extraction vessel into a separator at a very lower pressure. ठीक है. Next is enzymatic extraction. In this method, the volatile oil is normally found in plant substances इन द फॉर्म ऑफ ओडरलेस ग्लाइकोसाइडल कॉम्बिनेशन, ठीक है. वोलेटाइल ऑयल नॉर्मली फाउंड होते हैं प्लांट में जो कि इन द फॉर्म ऑफ ओडरलेस ग्लाइकोसाइडल कॉम्बिनेशन, ठीक है. ओडरलेस होंगे और ग्लाइकोसाइडल कॉम्बिनेशन होगा, मतलब ग्लाइकोसाइड कंटेनिंग ड्रग्स होंगी. दीज ओडोरीफेरस कंपाउंड्स आर लिबरेटेड फ्री ओनली बाय हाइड्रोलिसिस. जो ये ओडोरीफेरस कंपाउंड्स हैं, ठीक है, ओडरलेस कंपाउंड्स में जो ओडोरीफेरस जो कंपाउंड्स हैं वो लिबरेट करेंगे बाय द प्रोसेस ऑफ एंजाइमेटिक हाइड्रोलिसिस. वोलेटाइल ऑयल एग्जांपल है वोलेटाइल ऑयल ऑफ बिटर आलमंड, दैट इज बेंजल्डिहाइड, ठीक है. नाउ इट इज़ द वेरी कॉमन क्वेश्चन दैट व्हाट इज़ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन वोलेटाइल ऑयल एंड फिक्स्ड ऑयल. मीन्स वोलेटाइल ऑयल और फिक्स्ड ऑयल में क्या बेसिक डिफरेंस है. नाउ यू कैन अंडरस्टैंड
सेवरल पॉइंट्स ऑफ डिफरेंशिएशन एग्जिस्ट बिटवीन वोलेटाइल ऑयल्स एंड फिक्स्ड ऑयल्स. बहुत सारे पॉइंट्स ऑफ डिफरेंशिएशन एग्जिस्ट करते हैं बिटवीन वोलेटाइल ऑयल और फिक्स्ड ऑयल. वोलेटाइल ऑयल कैन बी डिस्टिल्ड फ्रॉम देयर नेचुरल सोर्सेज. ठीक है, वोलेटाइल ऑयल्स डू नॉट कंसिस्ट ऑफ ग्लिसराइल ईस्टर्स ऑफ फैटी एसिड्स. हैंस दे डू नॉट लीव अ परमानेंट ग्रीस स्पॉट ऑन पेपर एंड कैन नॉट बी सेपोनिफाइड विद अल्कलीज. वोलेटाइल ऑयल्स को हम डिस्टिल्ड करेंगे फ्रॉम देयर नेचुरल सोर्सेज ओनली. ठीक है, वोलेटाइल ऑयल्स नहीं कंसिस्ट करते ग्लिसराइल एस्टर्स ऑफ फैटी एसिड, जिसमें कि फिक्स्ड ऑयल कंसिस्ट करते हैं ग्लिसराइल एस्टर्स ऑफ फैटी एसिड्स. और ये नहीं छोड़ते, डू नॉट लीव अ परमानेंट ग्रीस स्पॉट, ये ग्रीस स्पॉट नहीं छोड़ते लाइक फिक्स्ड ऑयल्स. ठीक है, लाइक आपने एक फिल्टर पेपर लिया, नॉर्मल फिल्टर पेपर लिया, ठीक है, फिल्टर पेपर पे आपने वोलेटाइल ऑयल डाला तो वो एक ग्रीजी स्पॉट नहीं छोड़ता. लेकिन फिक्स्ड ऑयल में क्या होता है, फिक्स्ड ऑयल को अगर आप देखेंगे किसी फिल्टर पेपर पे हल्का सा भी टच करेंगे तो वो एक अपना मार्क छोड़ देता है. ठीक है, एंड कैन नॉट बी सेपोनिफाइड विद अल्कलीज. वोलेटाइल ऑयल्स डू नॉट बिकम रैंसिड एज डू द फिक्स्ड ऑयल्स. वोलेटाइल ऑयल्स क्या होता है, रैंसिड नहीं होते, मतलब टाइम के साथ उसके कलर चेंज, कंसिस्टेंसी चेंज नहीं होती, फिक्स्ड ऑयल की हो जाती है. ऑन एक्सपोजर टू लाइट एयर दे ऑक्सीडाइज एंड रेजिनिफाई. Thank you. Still have any doubt? You can ask in Google Classroom and in comment section. Thank you.